देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये इसको आपको करने आना चाहिए। आई होप कि आप सब लोग इसको कर लोगे, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब सेमीकंडक्टर की बात करोगे, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हो, समझ रहे हो, तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने से, जो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा देना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दोगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में जाने लगता है। वैसे ऐसे नहीं जाता है, क्वांटम फिनोमिनन है, यहाँ अपीयर हो जाता है, यहाँ से गायब होगा और यहाँ अपीयर हो जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, एन ई पर यूनिट वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में इंक्रीज होने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इस हिसाब से तुम देखोगे तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और बोथ एन ई एंड रेजिस्टेंस, एन ई इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये ऑप्शन सही है और ये जो ऑप्शन गलत है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई सपोर्ट करो और अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।